क्या व्हाट्स क्या सच में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा? ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है। शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या जरूरत तान पड़ी कि भाई ये बात होने लग रही है, ये न्यूज़ आ रही है कि आधार कार्ड से लिंक करा देना चाहिए व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर को। दरअसल कर्नाटका हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई जिसमें कहा गया कि अगर फेक न्यूज़ को काउंटर करना है तो इन सब सोशल मीडिया जैसे उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक हो गया व्हाट्सएप हो गया ट्विटर हो गया, इन सबको एक आधार कार्ड से लिंक करा देना चाहिए ताकि जहाँ से भी ये फेक न्यूज़ आती है उसका एक पता चल सके कि ये किसने ये फेक न्यूज़ फैलाई है, वरना इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये एक चीज़ वहाँ पे डाली गई, पीआईएल डाली गई कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये केस ट्रांसफ़र कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ये केस ट्रांसफ़र हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उधर मद्रास हाई कोर्ट में दो पीआईएल और डलती हैं। ये रीज़न बताया गया कि हर फेक न्यूज़ को, अगर फेक न्यूज़ को काउंटर करना है, फेक न्यूज़ को बंद करना है, तो हर एक सोशल मीडिया को कनेक्ट करना होगा आधार कार्ड से। तो ये रीज़न कहाँ तक वैलिड है कि भाई क्या आधार कार्ड से लिंक करा देना ही क्या फेक न्यूज़ को ख़त्म कर देगा? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने एक बात बोली। और उधर अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप ने सीधे सीधे इसे मना कर दिया कि उनकी एक ग्लोबल पॉलिसी है कि वो प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे और वो प्राइवेसी को किसी भी कीमत पे उसे हटाने वाले नहीं है। कि मतलब कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन कोड का यूज़ करते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन कोड का मतलब बोले तो कि एक रिसीवर है एक सेंडर है और इन्हीं दोनों के अलावा कोई मैसेज नहीं पढ़ सकता। ये एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन कोड होता है जिसके अंदर ये व्हाट्सएप काम करता है। उन्होंने इसे हटाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी बैकडोर एंट्री देकर वो अपनी ग्लोबल पॉलिसी को ख़त्म नहीं कर सकते जो उन्होंने अपनी ग्लोबल पॉलिसी बना रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपनी बात बोली कि भाई ये जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है इसको यूज़ सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के अंदर, वेलफेयर बेनिफिट के अंदर, इनको अंदर यूज़ किया जा सकता है, ना कि इसको यूज़ कर सकते हैं हम कॉरपोरेट एज ए इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पे। मतलब कि आधार कार्ड का सेक्शन 57 इसको स्टक डाउन करता है कि इसको एज ए इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता। अब आपको एक चीज़ बताऊं तो एक 2017 में एक राइट टू प्राइवेसी एक अधिकार बना था हमारे लिए 2017 के अंदर, के पुट्टा स्वामी जो केस हुआ था उसके अंदर ये बात बोली गई थी कि हर एक की प्राइवेसी, उसका एक अधिकार होना चाहिए, ऑनलाइन रखा जाएगा, एक अधिकार बनाया गया था। अब एक इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि हर एक की प्राइवेसी को आप कैसे हनन कर सकते हैं, और इस चीज़ को भी उन्हें बड़ा ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आजकल की डेट में ऑनलाइन जो ये फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होती जा रही है, लोग इसको बिना सोचे समझे वायरल कर देते हैं। कोई एक इंसान इस फेक न्यूज़ को बनाता है और बाकी इसको आंख बंद करके फैला देते हैं, तो इसको कैसे वो स्टक डाउन करेंगे, इसको वो कैसे रोकेंगे? इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि लोगों की प्राइवेसी को भी, मतलब कि उनकी प्राइवेसी का भी वो ध्यान रखें। तो इन चीज़ों को बैलेंस बना के कैसे चलती है तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी किसी भी न्यूज़ को आंख बंद करके, जो भी व्हाट्सएप पे आती है फेसबुक पे आती है, सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके उसको फैला दें, भले उसमें कुछ भी लिखा हो, कुछ ऐसा एग्रेसिव लिखा हो जो क्या पता कुछ और कर दें। तो हमें इस न्यूज़ को, किसी भी न्यूज़ को शेयर करने से पहले उसके पीछे उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि भी क्या वो सच है, उसके तथ्य क्या हैं। इन चीज़ों को आंख बंद करके किसी भी फेक न्यूज़ को आप मतलब शेयर मत करो। की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।